जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों। जी हाँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम। दोस्तों, आप सभी के फिजिकल को लेकर और आप सभी के रिजल्ट को लेकर काफी बड़ा अपडेट इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूँ। लाइक या भाड़ में सस्ते अभ्या तेल लेने, डायरेक्टली वीडियो को शुरू करेंगे और आप सभी को इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि क्या है ये और कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। आंसर की तो आ चुकी है, जो आपने ऑब्जेक्शन लगाए थे उसकी फाइनल आंसर की ये कब तक देंगे और यहाँ पर आपका रिजल्ट और फिजिकल कब होगा और ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी, तो उसको लेकर दोस्तों आपको एक नोटिस मैं आपको दिखाई देता हूँ, जो कि आपके फोन की स्क्रीन पर भी आ रहा होगा कि अभ्यर्थियों की आपत्तियों का परीक्षण शुरू, जल्द होगी कट ऑफ लिस्ट जारी। ठीक है, तो यानी आपकी जो आपत्ति थी, जो आपने लगाई थी, उसका दोस्तों जो परीक्षण है, जो जांच है, वो दोस्तों शुरू हो चुकी है। ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत है, कौन कौन से क्वेश्चन पर आपने आपत्ति लगाई थी, उस पर उसकी जो जांच है वो दोस्तों अब वो कर रहे हैं, भर्ती बोर्ड के द्वारा वो की जा रही है। अब जल्द ही आप सभी को जो है उसकी आपत्ति पर जो है दोस्तों यहां पर फाइनल आंसर के देखने को मिलेगी। और एक सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या बोलिए, ध्यान से सुनना, कि सिपाही भर्ती सितंबर आखिर में शारीरिक दक्षता परीक्षा की जारी हो सकती है सूचना। यानी जो आपका फिजिकल है वो सितंबर के लास्ट तक आपको बता दिया जाएगा कि उस दिन आपका फिजिकल होगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि भर्ती बोर्ड कितनी तेजी से इस भर्ती को कराने में दोस्तों लगा हुआ है, क्योंकि जिम्मेदारी है, 6 महीने पहले जा चुके हैं फालतू के ही, क्योंकि जब री एग्जाम कराया था, एग्जाम के और री एग्जाम के बीच में 6 महीने वो जा चुके हैं, तो इसको लेकर कवायद शुरू हो चुकी है कि ये वैकेंसी जल्द से जल्द शुरू की जाए। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ बताया जा रहा है कि आप सभी की जो 60,244 पदों पर सीधी भर्ती है, बीते माह में आयोजित लिखित परीक्षा की आंसर की जारी करने के बाद अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं भर्ती बोर्ड को आपत्तियां भेजी है। बोर्ड ने आपत्तियों का परीक्षण शुरू कर दिया है। बृहस्पतिवार को आपत्तियां दाखिल कर अंतिम दिन है, इसके बाद बोर्ड इनका समाधान करते हुए कट ऑफ लिस्ट जारी करेगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों जो बोर्ड ने आपत्ति है वो आपकी ले ली है, जल्द से जल्द आपकी कट ऑफ जो है वो जारी करेगा। यानी कट ऑफ को ही रिजल्ट बोलते, बेसिकली आपका रिजल्ट जारी करेगा कि कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब जब कट ऑफ की बात आती है तो आपके क्वेश्चन की भरमार कमेंट बॉक्स में आ जाएगी कि भैया मेरे इतने क्वेश्चन ठीक बैठ रहे हैं, क्या मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो, आप किसी की भी कट ऑफ देख लीजिए यूट्यूब पर, सब जो कट ऑफ है वो अपनी मर्जी से बना रहे हैं, किसी के पास कोई एक्यूरेट डाटा तो है नहीं। फिलहाल कोई भी डाटा मिल रहा है अपनी मर्जी से भरा जा रहा है, गूगल फॉर्म में भी कोई 200 भर रहा है, कोई 250 भर रहा है, कोई 260 भर रहा है, कोई इवन 100 भी भर रहा है, तो इसलिए कोई कहा नहीं जा सकता कि कट ऑफ कितनी जाएगी। और वो जो डाटा निकल के आया है वो बिल्कुल फर्जी डाटा है, उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, जो समझ में, जब उन्होंने सर ने खुद ही बोल दिया कि वो डाटा जो है हमारे हिसाब से, हमने बोला था कि वहां पर आपको नंबर फिलअप करना है, बच्चों ने वहां पर क्वेश्चन फिलअप कर दिए, तो दिक्कत यहीं पर आ जाती है, समझ रहे हो। तो इसलिए आप सभी को सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो कट ऑफ है वो ज्यादा नहीं जाने वाली है। मैं लिख के देता हूं दोस्तों, 200 से नीचे ही सबकी कट ऑफ रहेगी, चाहे वो यूआर है, चाहे जेंडर, या चाहे दोस्तों आपका ओबीसी है, चाहे ईडब्ल्यूएस है, चाहे एससी है, चाहे एसटी है, 200 से नीचे सबकी कट ऑफ रहेगी, इतना आप समझ लीजिए। जिसके नंबर दोस्तों यहां पर मैं आप सभी को बता दूं, एससी वाले के मेल के जिसके भी नंबर दोस्तों 180 बन रहे हैं, ठीक है, 180 के आसपास बन रहे हैं, वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे, और ओबीसी वाला जिसके भी दोस्तों 190 के आसपास बन रहे हैं वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे, और जनरल वाला जिसके 190 से के 95 के बीच में बन रहे हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर दे वो फिजिकल के लिए। और जो लड़कियां हैं, जिनके लड़कियों की बात कर ले जो यूआर में आती हैं, अगर उनके यहां पर 180 भी नंबर बन रहे हैं वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकती हैं, और जो यहाँ पर ओबीसी से आती हैं उनके अगर यहाँ पर 178 या दोस्तों 174 के बीच में बन रहे हैं वो तैयारी शुरू कर सकती हैं, 174 से 78 के बीच में बन रहे हैं, और जो एससी की लड़कियां हैं अगर उनके 170 से प्लस नंबर जा रहे हैं तो वो तैयारी शुरू कर सकती है। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर बात निकल के सामने आती है आप सभी के लिए, मैं बता देता हूँ, और आप सभी बस इतना फोकस कर लीजिए आपकी जो यहाँ पर रनिंग है वो जल्द से जल्द शुरू होगी, इसलिए फिजिकल पर फोकस जरूर करें, क्योंकि मैं देखा है लड़कियां सबसे ज्यादा फिजिकल में बाहर होती हैं, फिर बोलती है बाद में कि हम फिजिकल नहीं कर पाए, तो टाइम है ना, अभी जाइए आप रनिंग करने के लिए, और जो लड़के हैं वो भी जाइए, क्योंकि आपके लिए दोस्तों ये जो मैं दिखा रहा हूँ ना यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल रियल है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, और ये आ चुकी है न्यूज, ठीक है, जल्द से जल्द आपको शुरू हो जाएगी। और क्योंकि इनको और वैकेंसी यूपीएसआई की भी इनको निकालनी है, तो इसकी वजह से दोस्तों अब आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, बोलने को तो बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए, लेकिन वो फालतू की चीजें हैं, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है,
कि भैया क्या रहेगा, क्या कैसे होगा, रनिंग की तैयारी क्या करें। अपने अंदर जान है तो कर लोगे, रनिंग तैयारी नहीं है तो कितना भी किसी का मोटिवेशन लेना ना बिल्कुल कुछ नहीं होगा। अपने अंदर की जान लगानी पड़ेगी रनिंग के लिए, तो बेसिकली ये बात है। और रनिंग आपको एक टाइम करनी है फिलहाल, अभी जब रनिंग का डेट आएगी तब आपको अपनी जो है दोनों टाइम जा सकते हो, लेकिन जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक टाइम में अगर आप जा रहे हो तो बहुत अच्छा है, अभी जाइए। और ऐसा नहीं है कि एक साथ 5 किलोमीटर मारे, एक साथ 2400 मीटर ये मारे, कोई जरूरत नहीं है। अभी आप जितना जा रहे हैं 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर बिल्कुल सफिशेंट है आप लोगों के लिए अभी, क्योंकि अगर अभी आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे टहलने भी जा रहे हैं, वॉकिंग भी कर रहे हैं, तब भी वो सफिशेंट है आपके फिजिकल के लिए, ठीक है। बाकी दोस्तों मैं इतना जरूर आपसे बोलूंगा कि किसी भी यूट्यूबर के कट ऑफ को चक्कर में लेकर बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी न्यूज देखी है कि लिस्ट में नाम मतलब कट ऑफ से मतलब कट ऑफ में अगर वहां पर यूट्यूब की कट ऑफ में आपका लिस्ट में नाम नहीं आया, मतलब उन्होंने इतना बता दिया और आपका इतना नंबर नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, कुछ गलत कदम उठा देते हैं। भाई साहब ये बिल्कुल भी, वहां पर भी यही बोला जाता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बिल्कुल 100% ठीक नहीं है। इसलिए आप सभी फिजिकल का अपनी तैयारी करते रहें और रिजल्ट का वेट करें। रिजल्ट आपको जल्द शुरू देखने को मिलेगा, जैसा कि इसमें आप सभी के बताया जा रहा है कि जल्द आप सभी की जो कट ऑफ है लिस्ट जारी होगी, समझ रहे हो। तो ये है दोस्तों पूरा मामला, बस इतना मैं आप सभी से बोलता हूं कि आप अपने आप पर फोकस करें। आप दोस्तों सबसे अच्छा स्कोर करके आए हैं, और मैं आप सभी को बता दूं कि पेपर आसान नहीं था, पेपर बहुत ज्यादा हार्ड था। पिछले मुकाबले की देखा जाए 2018-19 वाले पेपर से 41520 और 49568 की वैकेंसी से कंपेयर किया जाए तो वैकेंसी ये पेपर बहुत ज्यादा हार्ड था। मैंने भी पेपर दिया है और मेरा 24 की फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था और मैं पेपर दे के आया हूँ। मेरे भी दोस्तों 215 के आसपास नंबर बन रहे हैं। तो ये जो पेपर है बहुत ज्यादा मतलब ये समझे आसान नहीं बोलेंगे ना इसको मॉडरेट बोलेंगे, टफ की कैटेगरी में चला जाता है और ये पेपर जो है सही लेवल का पूछा जाता है, समझ रहे हो। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।